नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ विनय यादव, सीनियर फैकल्टी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री सीएलसी सीकर। आज हम लोग बायोकेमिस्ट्री डीटीएस का जो डीटीएस 9 है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके टॉपिक्स हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स, एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव एंड कंटेनिंग कंपाउंड्स, पॉलीमर बायोमॉलिक्यूल एंड केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1 से, है ना। इसमें क्वेश्चन जो दे रखा है हम लोगों को, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन में से कौन सा देता है? तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन हमें पता है कि ये एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, दैट इज शोन बाय मिथाइल कीटोन। और जो है मिथाइल कीटोन, और हम लोगों को सभी कीटोन से ही दे रखे हैं, जो रिएक्शन होती है आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस लाइक KOH और NaOH, है ना। तो जो प्रोडक्ट होता है दैट इज वॉट, कार्बोक्सिलेट आयन एंड आयोडोफॉर्म CH3, जो मिथाइल कीटोन का ये CH3 होता है, CH3 होता है, दैट कन्वर्ट्स इन टू CH3 एंड द रिमेनिंग पार्ट इज ऑक्सीडाइज इन टू कार्बोक्सिलेट आयन। तो CH3 जो है येलो कलर का प्रेसिपिटेट देता है ना। तो हम देखते हैं मिथाइल कीटोन कौन सा है इसमें से। मिथाइल कीटोन ये नहीं है, मिथाइल कीटोन ये है, सो इट कैन बी कंसिडर्ड है। और क्वेश्चन जो ऑप्शन 3 है इसमें भी मिथाइल कीटोन नहीं है, इसमें भी मिथाइल कीटोन नहीं है, सो राइट आंसर शुड बी व्हाट, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो दे रखा है हम लोगों को, बोला गया है फिनॉल, और उस पर अगर हम लोगों ने NaOH डाला तो फिनॉल जो है NaOH के साथ हमें पता है एसिड बेस रिएक्शन फिनॉक्साइड बनाएगा, और फिनॉक्साइड नाउ हैज बिकम एन एक्टिवेटेड रिंग, और ये एक्टिवेटेड रिंग जो है कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर अटैक करेगा बीइंग एन इलेक्ट्रोफाइल। और हमें पता है कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा ऑर्थो पोजिशन से वो इसके साथ जुड़ता है, और ये पर्टिकुलरली सैलिसाइलेट आयन बनाएगा। और अगर हम लोगों ने इसको एसिडिक मीडियम में ले लिया तो फाइनली ये सैलिसाइलिक एसिड हो जाएगा। सैलिसाइलिक एसिड जो है, फिर उस पर हम लोगों ने क्या कराया है, ये एक मेथड है एस्पिरिन बनाने का, और बाद में हम लोगों ने इसके एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ पिरिडीन लेके रिएक्शन कराई है। तो इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी एस्पिरिन, जो कि आपका OCOCH3 होगा। तो ये आपका B हो गया और ये आपका A हो गया। फॉर्चुनेटली क्वेश्चन में हम लोगों को बी नहीं पूछा गया, हम लोगों से ए पूछा गया है, तो आंसर हमारा जो होगा दैट विल बी सैलिसिलिक एसिड। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके, तो ये आपका साइक्लोहेक्सीन दे रखा है, साइक्लोहेक्सीन पे हम लोगों ने ओजोनोलिसिस कराया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिंक है, तो जिंक की प्रेजेंस में रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, अगर इसका ओजोनोलिसिस कराएंगे तो हम सारे लोग जानते हैं, ठीक है, कि भाई ओजोनोलिसिस होगा तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। नाउ दिस विल बी व्हाट, ये दोनों ही कार्बन चेन टूट जाएगी और यहां पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ एल्डिहाइडिक ग्रुप आ जाएगा। अब आगे की जो कहानी है वो ये है कि हम लोगों ने जो ए बनाया है ओजोनोलिसिस के बाद, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के बाद, उस पर हम लोग OH- की रिएक्शन करा रहे हैं बेसिक मीडियम में। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे बेसिक मीडियम में जो है एल्डिहाइड के ऊपर यहाँ पे विद इन द मॉलिक्यूल इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन होगी, और इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन में ये अल्फा कार्बन जो है एनायनिक बन जाएगा, क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन को विड्रॉ करेगा यहाँ से, है ना, और ये फिर उसके बाद अटैक करेगा इस पर, और फाइनली जो है हम लोगों के पास एक 5 मेंबर रिंग होगी एंड सी डबल बॉन्ड ओ एच, और साथ में हम देख सकते हैं इसको नंबर करके पहले, है ना, दिस इज 6th कार्बन, ये आपका 6th कार्बन है, और 5th कार्बन जो था वो ये है आपका, है ना, और 5th कार्बन इज कनेक्टेड विद 1st कार्बन एंड 1st कार्बन इज OH, है ना। नाउ 5, 4, 3, 2 एंड 1, नाउ इस पे हम लोगों ने डिहाइड्रेशन कराया, ठीक है, हीट कराएंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा और फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी COH एंड एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम डेवलप होगा यहाँ पे, और फाइनली प्रोडक्ट शो बी शुड बी द सेकंड वन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
C6H5CHO अपन लोगों को पता है बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड पे इन्होंने पर्टिकुलरली कॉन्सेंट्रेटेड एनएच डाला है, तो कॉन्सेंट्रेटेड एनएच के साथ जो रिएक्शन होगी हम सब लोग जानते हैं, रिएक्शन का नाम क्या है, बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, दैट इज कैनिज़ारो रिएक्शन। और कैनिज़ारो रिएक्शन जो है आपका, यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी और बेंजल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल खुद ऑक्सीडाइज होगा, वन मॉलिक्यूल ऑफ द बेंजल्डिहाइड विल बी ऑक्सीडाइज एट द कॉस्ट ऑफ द रिडक्शन ऑफ द सेकेंड मॉलिक्यूल। सो वन विल बी बेंजाइल एल्कोहल, सो वन इज बेंजाइल एल्कोहल एंड दिस इज वॉट सोडियम बेंजोएट, है ना। तो आंसर थ्री शुड बी द करेक्ट वन, बेंजाइल एल्कोहल एंड बेंजोएट आइन, है ना, सोडियम बेंजोएट, सो थर्ड शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आंसर की तरफ मूव करते हैं हम लोग। विच इज मोस्ट एसिडिक, अगर हम देखें यहां पे तो मोस्ट एसिडिक जो है आपका वो कौन सा है, फॉर्मिक एसिड। अगर हम लोगों को पीके याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं याद है तो हम लोग देख सकते हैं फॉर्मिक एसिड। और यहाँ पे साइनो ग्रुप जो है एक स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, माइनस आई शो करेगा। और फाइनली हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे एसिटिक एसिड में CH3 है और ये प्लस आई शो करेगा। तो अगर हम लोग रफली देखें तो एसिटिक एसिड का जो पीके वैल्यू होता है दैट इज 4.7, फॉर्मिक एसिड 3.7, बेंजोइक एसिड 4.2, है ना। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे, और साइनो एसिटिक एसिड जो है आपका वो रफली आएगा 3 के अराउंड, है ना। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एसिडिक आपका थर्ड जाएगा आंसर, क्योंकि साइनो ग्रुप एक विड्रॉइंग ग्रुप है और ये इसको स्टेबलाइज करेगा, जो इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा CH2CN और COO-। तो CO- की जो स्टेबिलिटी है साइनाइड ग्रुप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से इसको स्टेबलाइज कर लेगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक हम लोगों को एसीटोन दे रखा है और सी पूछा गया है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे। NH2OH क्या है अपना, हाइड्रोक्सिल अमाइन है, और हाइड्रोक्सिल अमाइन जो है ऑक्साइम बनाता है। तो पहले केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लोगों को एक इथाइल दे रखा है और एक मिथाइल दे रखा है। एल्डिहाइड कीटोन की जब रिएक्शन होती है NH2OH के साथ तो हम लोगों को पता है यहाँ पे कि जो ऑक्साइम बनेगा वो ऑक्साइम आपका NOH ये बनाएगा। फिर नेक्स्ट रिएक्शन जो है आपकी पेंटेन थ्रीओन के साथ है, और पेंटेन थ्रीओन के साथ जो हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है दैट इज व्हाट NOH। और ये जो नेक्स्ट कंपाउंड है आपके पास, इसमें जो प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है दैट इज NOH। तो अगर हम देखें तो इस सर्टेन ग्रुप के रिस्पेक्ट में, जो ऑक्साइम ग्रुप है सी डबल बॉन्ड NOH के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ रहा है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कंसीडर करते हुए यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स आएंगे, सेन एंड एंटी, है ना। और इस केस में हमारे पास जी आईसो नहीं होगा तो इसका एक ही प्रोडक्ट हम कंसिडर करेंगे। इस केस में हमारे पास जो है दो प्रोडक्ट हम कंसीडर करेंगे, सेन एंड एंटी। सो फाइनली हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स के नंबर होंगे दैट विल बी 5। सो आंसर इज 5। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। फ्रक्टोज रेड फॉस्फोरस, एच आई रेड फॉस्फोरस हमें पता है, एच आई रेड फॉस्फोरस एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और फ्रक्टोज हम लोग जानते हैं C6H12O6, ठीक है। और इसको जब रिड्यूस करेंगे हम लोग एच आई रेड फॉस्फोरस के साथ तो हमें पता है एक लीनियर चेन हमें मिलेगी, है ना, दैट इज व्हाट, है ना, नॉर्मल हेक्सेन मिलेगा। और नॉर्मल हेक्सेन पे हम लोग अगर क्रोमियम ऑक्साइड ऑन द बेस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ हीट कराते हैं तो वी गेट व्हाट, बेनिन, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। तो हम लोगों को ए और बी पता करना है, जिसमें से पूछा गया है हमसे ए, तो ए इज नॉर्मल हेक्सेन, सो आंसर विल बी व्हाट, सेकंड वन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, हम लोगों को पता है ये सारे विटामिन्स हैं, राइबोफ्लेविन आपका विटामिन बी2 हो गया, और
रेटिनॉल पर्टिकुलरली विटामिन ए के लिए जाना जाता है, थायमिन B1 हो गया, पेरियोडॉक्सिन B6 हो गया। तो हम लोग ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, विच कंपाउंड गिव्स कार्बिल अमाइन रिएक्शन। कार्बिल अमाइन रिएक्शन के लिए हम लोगों को पता है कि कार्बिल अमाइन रिएक्शन जो है अमाइनो ग्रुप पे होती है, RNH2 पे, और पर्टिकुलरली जो ग्रुप रिएजेंट होता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन का, जो रिएजेंट होता है दैट इज क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस। और यहाँ से हम लोगों को पता है कि डाइक्लोरोकार्बिन बनेगा, जिसके ऊपर क्या होता है कि जो अमाइन होता है दैट अटैक्स, और यहाँ पे क्या आएगा, RN CCC, एक फॉल्स स्मेलिंग कंपाउंड बनता है एल्काइल आइसोसाइनाइड, है ना। तो एल्काइल आइसोसाइनाइड जो होता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोग कार्बिल अमाइन रिएक्शन बोलते हैं। तो हमें ये चेक करना है कि किस केस में आपके पास 1 डिग्री अमाइन NH2 नहीं होगा। तो सल्वरेशन, प्रोटेंसल एंड सल्फापिरिडीन, ये सारे ही ग्रुप जो हैं इनके पास, आप स्ट्रक्चरली देखेंगे इनको तो इन सभी ग्रुप्स में एनिलिनियम ग्रुप मौजूद है। ये जो स्ट्रक्चर है, एक रफ स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ आपके पास सल्वरेशन का, OH एंड NH2, है ना। सो अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो सभी में क्या है, ये सल्वरेशन का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 NH2 ग्रुप मौजूद हैं, तो कार्बिल अमाइन रिएक्शन। इसी तरीके से प्रोटेंशियल में यहाँ पे आर्सेनिक आर्सेनिक की जगह नाइट्रोजन नाइट्रोजन होगा, और सल्फापिरिडीन का जो स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे पिरिडीन एक रिंग रहेगी, है ना। तो काइंड ऑफ हम लोग ये देख सकते हैं कि सभी में NH2 ग्रुप आ रहा है, सिर्फ पैरासिटामोल इज द स्ट्रक्चर जहाँ पे आपका NH2 ग्रुप मौजूद नहीं है। पैरासिटामोल का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज NHCOCH3, इसमें NH2 ग्रुप मौजूद नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे कार्बिल अमाइन रिएक्शन सो नहीं होगी। सो आंसर विल बी पैरासिटामोल। चलिए बढ़ते हैं आगे, लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन ये भी था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सल्फर इन बाईथायोनिल। तो बाईथायोनिल जो है हमारे पास एक एंटीसेप्टिक कंपाउंड होता है, और इसमें जो है इस तरीके से 2 फिनाइल रिंग जुड़ी होती हैं, और ये कनेक्टिंग सल्फर जो है दोनों रिंग के बीच में सिर्फ एक ही होता है। सो आंसर शुड बी व्हाट, फर्स्ट। और ये भी लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, ये सारा हम लोगों का जो एवरीडे लाइफ वाली केमिस्ट्री है और उससे सारे क्वेश्चंस को पूछा गया है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, गुड इनिशिएटर फॉर कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। हम लोगों को पता है कि पॉलीमराइजेशन कैटायनिक एनायनिक रेडिकल इंटरमीडिएट के तौर पे इनिशिएट किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, अगर सपोज कोई डबल बॉन्डेड सिस्टम है, इसमें हम लोगों को अगर कैटायनिक पॉलीमराइजेशन करना है दैट मीन्स हमें इसको कैटाइन से जनरेट करना है। तो कैटाइन जो है आपका पर्टिकुलरली, अगर इसमें कैटाइन जनरेट करना है हम लोगों को, तो हमारे लिए एक ऐसा रिएजेंट चाहिए होगा जो इस पाई बॉन्ड को कैटाइनिक में स्पेसी में कन्वर्ट कर सके। तो हम एक क्या लुईस एसिड ले लेते हैं, और लुईस एसिड जो है इस पाई बॉन्ड को विड्रॉ करेगा। इनमें से लुईस एसिड हमारे पास AlCl3 है, और AlCl3 पर्टिकुलरली इस पाई बॉन्ड को इन्वॉल्व करेगा, और यहाँ पे AlCl3-, और यहाँ पे जो है आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एंड दिस इज व्हाट, AlCl3-, है ना। तो अब ये जो कैटाइन जनरेट हुआ है दैट विल अटैक ऑन अनदर एल्कीन सिस्टम, और इस तरीके से जो है ये रिएक्शन रेप्लिकेट होती जाएगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये तो आपका एक एनायनिक स्पीसी है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में, हाइड्राइड भी एनायनिक स्पीसी है जो कि पाई बॉन्ड के साथ इंटरेक्शन शो नहीं करेगी। सोडियम भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला मेटल ही है, तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारे पास एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड ही जाता है, दैट इज लुईस एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं, डेटॉल इज अ मिक्सचर। डेटॉल हम लोगों को पता है कि जो है एक एंटीसेप्टिक होता है, और दैट इज द मिक्सचर ऑफ क्लोरोक्सिलीन और टर्पिनॉल, है ना। सो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बढ़ते हैं आगे। ट्रैंक्यूलाइजर, अगर हम देखें तो बैकेलाइट पॉलीमर होता है ना, पॉलीस्टाइरीन और टेरिलीन, ये सारे ही पॉलीमर के ऑप्शंस हैं, है ना। तो हमारे पास जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है यहाँ पे इक्यूनिल, है ना।
तो आंसर इज इक्योनिल। बढ़ते हैं आगे, विटामिन कौन सा जो है वाटर सॉल्युबल होता है, हम सब लोगों को याद है ये, तो विटामिन सी इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। बढ़ते हैं आगे, मोनोमर और परलोन, परलोन इज नायलॉन 6 जो है उसका ट्रेड नेम जो है परलोन है नायलॉन 6 को, और नायलॉन 6 का जो मोनोमर होता है दैट इज कैप्रोलेक्टम, कैप्रोलेक्टम हम लोग सब लोग जानते हैं दैट इज व्हाट CONH, सो दिस इज व्हाट कैप्रोलेक्टम। सो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे, जिग्लेनार्डर कैटलिस्ट हम लोगों को पता है, जिग्लेनार्डर कैटलिस्ट जो है पॉलीमराइजेशन के लिए एल्कीन में पॉलीदीन बनाने के लिए यूज करते हैं हम लोग, तो ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम एंड TiCl4 का जो मिक्सचर होता है दैट इज कॉल्ड एज जिग्लेनार्डर कैटलिस्ट। ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे, नोवोलिक इज यूज फॉर, हमें पता है गास्केट, ड्रिंकिंग वाटर, पेंट्स एंड सीमेंट, तो पेंट इज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, और नोवोलिक जो होता है दैट इज पॉलीमेरिक कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। सो फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड का जब हम लोग मिक्सचर लेते हैं जिसमें फिनॉल इज ग्रेटर इन अमाउंट देन फॉर्मेल्डिहाइड, तो हम लोगों को जो है फिनॉल इज ग्रेटर इन अमाउंट, तो हम लोगों को एक लीनियर पॉलीमर मिलता है दैट इज नोवोलिक, और अगर हम लोगों ने फॉर्मेल्डिहाइड की एक्सेस अमाउंट ली तो हम लोगों को जो मिलेगा वो बैकेलाइट मिलेगा। तो पर्टिकुलरली नोवोलिक जो है, हम लोगों ने नाम भी सुना होगा नोवोलिक का, दैट इज यूज इन पेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, डाइसैकेराइड कौन सा नहीं है, हमें पता है कि डाइसैकेराइड इज नॉट, ग्लूकोज इज नॉट अ डाइसैकेराइड दैट इज मोनोसैकेराइड। सो देख सकते हैं हम लोग सारे ऑप्शंस बिल्कुल आसान हैं, सुक्रोज लैक्टोज एंड माल्टोज ऑल आर डाइसैकेराइड्स एक्सेप्ट ग्लूकोज। नेक्स्ट, विच इज नायलॉन, विच इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हमारे पास जो है नायलॉन 26 है, और इसका यूज जो है पर्टिकुलरली हम लोग स्टिचिंग के लिए जो है जब ऑपरेशन होता है तो बायोडिग्रेडेबल स्टिचिंग के लिए हम लोग जो है यूज करते हैं इसको, जो खुद ही कंज्यूम कर लेती है बॉडी और टांके को काटना नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, हिंसबर्ग रिएजेंट, हम लोग जानते हैं कि हिंसबर्ग रिएजेंट जो होता है अमाइन की रिएक्शन होती है जिसमें 1 डिग्री अमाइन के लिए पर्टिकुलरली यूज करते हैं हम लोग, और दैट इज व्हाट फिनाइल सल्फोनाइल या बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है ना। तो दिस इज द आंसर, फोर्थ आंसर, बाकी तो ये सारे जो भी रिएजेंट है दैट इज नॉट कॉल्ड हिंसबर्ग रिएजेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, POCl3 और CH3NH, तो देखो यहाँ पे हम लोगों को CH3NH C डबल बॉन्ड O एंड H है ना, ये हम लोगों को एक सेकेंडरी अमाइन दे रखा है। POCl3 हम लोगों को पता है दैट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और पिरिडीन वहाँ पे सॉल्वेंट है, तो अगर हम लोग यहाँ पे वाटर निकालते हैं ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी योर CH3N और सी, H2O निकलेगा यहाँ से और CH3NC है ना, तो दिस इज व्हाट द सेकंड ऑप्शन शुड बी द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, दैट इज अमाइड और हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हम लोगों को दिख रही है, और ये रिएजेंट देखते ही हम लोगों को पता चल जाता है CH3CONH2 और ब्रोमीन प्लस KOH Br2 प्लस KOH, तो हम लोगों को पता है यहाँ पे कि भाई अमाइड ग्रुप से हम लोगों को 1 डिग्री अमाइड से 1 डिग्री अमाइन मिलता है ना। नाउ दिस इज योर ए, और इस पे क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस दैट इज कार्बिल अमाइन रिएक्शन, तो CH3NC है ना, तो CH3NC जो है आपका ऑप्शन नंबर 3, बट हम लोगों को ए ही पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर जो हमारे पास जाएगा दैट विल बी योर ऑप्शन, दिस इज CH3NH2, सो CH3NH2 फर्स्ट आंसर शुड बी द राइट वन है ना। नेक्स्ट,
23rd क्वेश्चन, हमें पता है कि दैट इज रोजनमंड रिडक्शन, है ना, एसिड क्लोराइड की रिएक्शन जब कराते हैं तो दिस ग्रुप इज रिड्यूस इनटू एल्डिहाइड ग्रुप, है ना, तो थर्ड शुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन जो दे रखा है, अगर हम फर्स्ट रिएक्शन में ए को देखेंगे यहाँ पे, तो फर्स्ट रिएक्शन इज व्हाट, फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, और फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन पे जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होते हुए जो प्रोडक्ट मिला हमें आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिलेगा. आइसोप्रोपाइल बेंजीन ए पर हम लोगों ने क्या कराया है, KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन, और KMnO4 के साथ अगर हम लोग अल्काइल बेंजीन पे ऑक्सीडेशन कराते हैं और इसके साथ अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन है तो दैट विल बी ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, सो बेंजोइक एसिड शुड बी द करेक्ट आंसर. बढ़ते हैं आगे. विच कंपाउंड डज नॉट सो HBZ रिएक्शन, हमें पता है कि जो HBZ रिएक्शन होती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर होती है, और HBZ रिएक्शन में जो है हम लोग फॉस्फोरस प्लस हैलोजन लेते हैं, है ना, तो अल्फा कार्बन के ऊपर हैलोजनेशन हो जाता है, दैट इज व्हाट X, है ना. तो अगर हम देखें यहाँ पे तो HBZ रिएक्शन जो पर्टिकुलरली है उसमें अल्फा हाइड्रोजन की मौजूदगी होना जरूरी है COH ग्रुप के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, ये शो करेगा, ये भी शो करेगा, ये शो नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, है ना, तो ये शो नहीं करेगा. सो आंसर हमारे पास जो है थर्ड ऑप्शन ही जाना चाहिए करेक्ट आंसर. चलिए बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C4H11 एंड N, चलिए देखते हैं इसमें. सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि C4H11N, ये आइसोमरिज्म से क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं इसको, कि भाई जो अमाइंस के आइसोमर्स पॉसिबल बनेंगे तो हम लोग देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं. अगर हम पहले तो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखते हैं तो ये फॉलो कर रहा है CnH2n+3n, दैट इज व्हाट, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है इसका है 0, मतलब दैट इज सैचुरेटेड मॉलिक्यूल, है ना. तो सैचुरेटेड मॉलिक्यूल है तो इस केस में हम लोगों के पास देयर इज नो डबल बॉन्ड और रिंग लाइक स्ट्रक्चर. सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1 डिग्री अमाइन के कितने केसेस बनेंगे. 1 डिग्री अमाइन का मतलब हमारे पास NH2 ग्रुप, पर्टिकुलरली यहाँ पे हमारे पास 4 कार्बन मौजूद हैं, 4 कार्बन मौजूद हैं, तो इन 4 कार्बन के पॉसिबल अरेंजमेंट्स जो होंगे दैट विल बी 4, ठीक है. तो इस तरीके से हम लोगों ने 4 कार्बन के अरेंजमेंट करें, है ना. 2 डिग्री अमाइंस के केस में हमारे पास NH एक कार्बन लेते हैं हम लोग, और यहां पे C, C and C, ये 3 कार्बन है. कार्बन 3 को हम लोग 2 पॉसिबल अरेंजमेंट से रख सकते हैं यहां पे, तो 2 आइसोमर बनेंगे यहां पे. फिर उसके बाद हम लोग NH, C and C, यहाँ पे एक ही पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकता है, दैट इज व्हाट, 1 is propyl एंड दिस इज आइसोप्रोपाइल, है ना. तो हमारे पास जो है 2 डिग्री अमाइन के जो केसेस आए हैं दे विल बी द पॉसिबल केसेस, और 3 डिग्री अमाइन हम लोग देखते हैं तो 3 डिग्री अमाइन का जो है हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी व्हाट, NCC and CC, है ना. एक ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकता है 2, 1, 1 को लेके, तो 1 is the possible option. सो अगर हम देखें आंसर हमारे पास जो हुआ दैट इज 4+2+1 and 1, तो 4+2+1 8 शुड बी द टोटल आंसर, 4+2+1+1, है ना. तो हमारे पास जो है टोटल आंसर 8 है, सो आंसर शुड बी व्हाट, 4. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और हमसे पूछा गया है विच इज एन एंटा एसिड, तो एंटा एसिड हमारे पास जो है दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये बेसिक है और ये हमारे स्टमक के अंदर जो एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है. बाकी हम लोग जानते हैं कि डेटॉल भी एंटा एसिड नहीं होता है, ना ही बाइथायनॉल और फिनॉल. चलिए बढ़ते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 28 जो है हमारे पास जो आंसर दे रखा है,
कि ऑर्डर ऑफ एसिडिटी हम लोगों को पता करनी है. वन इज बेंजोइक एसिड, अनदर इज फॉर्मिक एसिड. तो ऑब्वियस है फॉर्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड में फॉर्मिक एसिड विल बी मच बेटर एसिड देन बेंजोइक एसिड. तो सी इज ग्रेटर देन ए. देन फिनाइल एसिटिक एसिड, और मतलब सी और ए तो आ रहा है, तो सी से बड़ा ए जो है आपका फर्स्ट तो आंसर नहीं हो सकता, और हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे फोर्थ भी आंसर नहीं हो सकता. नाउ आंसर इज वॉट, टू एंड थ्री. अगर हम लोगों को पीके याद नहीं है तो हम लोग इस तरीके से ट्रिक अप्लाई करेंगे. नेक्स्ट थर्ड एंड सेकेंड वन, सी ए बी डी. तो फॉर्मिक एसिड जो है आपका सी, देन ए, बी अगर हम लोग देखें और डी में देखें तो बट ऑब्वियस है हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि फिनाइल पीछे जो है एक विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, जबकि मिथाइल यहाँ पे एक रिलीजिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा. तो अगर हम लोग बी और डी में चूज करने जाते हैं तो बी विल बी बेटर एसिड देन डी. नाउ इनको अरेंज करना है हम लोगों को, तो हमारे पास ए और बी को कनेक्ट करना है इसमें. तो ऑब्वियस है फॉर्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड में अगर हम कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है सी देन ए देन बी देन डी, है ना. सो ऑप्शन शुड बी व्हाट, फॉर्मिक एसिड इज बेटर एसिड देन फिनाइल एसिटिक एसिड. तो फिनाइल एसिटिक एसिड से तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ रहा है दैट इज व्हाट, सी ए बी डी. नंबर ऑफ क्लोरीन इन सुक्रालोज, तो सुक्रालोज का ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे तीन क्लोरीन एटम मौजूद हैं, तो देर आर थ्री क्लोरीन ग्रुप्स, ठीक है. तो पर सुक्रालोज मॉलिक्यूल थ्री वुड बी द आंसर. नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम लोग. नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन, तो पिरिडीन का जो स्ट्रक्चर होता है हम सब लोग जानते हैं यहाँ पे. तो जो पिरिडीन है उसमें जो नाइट्रोजन होता है दैट इज sp2. सो आंसर इज वन, ओनली वन नाइट्रोजन इज अवेलेबल, सो दैट इज वन नाइट्रोजन विद sp2 हाइब्रिडाइज. गन कॉटन जो होता है दैट इज सेलुलोज नाइट्रेट, है ना. सेलुलोज को हम लोग नाइट्रेशन करते हैं उसका. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग. हाँ, एनिलीन पे हम लोगों ने H2SO4 की रिएक्शन कराई है, तो एनिलीन इज अ बेस. एंड एनिलीन पे अगर हम लोग H2SO4 कराएंगे तो वी विल गेट व्हाट, एसिड बेस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा NH3+ एंड HSO4-, ठीक है. तो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट शुड बी द आंसर. पढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट, IUPAC नेम ऑफ ऑर्थोटोलोइडिन, ऑर्थोटोलोइडिन जो है आपका अगर हम लोग देखें तो इसका आंसर जो होना चाहिए, टोलुइडिन एन टू मिथाइल एनिलीन शुड बी द आंसर. वन एंड टू, है ना. सो दिस शुड बी द आंसर. नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा हम सब लोग जानते हैं यहाँ पे, है ना. उसमें जो है हमारे पास देयर विल बी व्हाट, CH2OH, H एंड OH, दिस इज कायरल एंड दिस इज कायरल, दिस इज कायरल, है ना. तो अगर हम देखें तो वन टू थ्री फोर, देर विल बी फोर कायरल सेंटर, है ना. तो आंसर विल बी फोर, साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होगा. बढ़ते हैं आगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 35. इसमें हम लोगों को 1 डिग्री अमाइन दे रखा है, और 1 मिनट. सो दिस इज NH2 एंड HNO2, इसके साथ हम लोग जो है जब रिएक्शन कराएंगे तो वी विल गेट व्हाट, डाइजोनियम सॉल्ट, जो कि नाइट्रोजन निकलेगी यहाँ से. तो वी विल गेट व्हाट, प्राइमरी कार्बोकोटाइन. और 1 डिग्री कार्बोकोटाइन रीअरेंजमेंट के थ्रू जाएगा 1,2-हाइड्राइड शिफ्ट, और 1,2-हाइड्राइड शिफ्ट जो है यहाँ पे आपका 2 डिग्री कार्बोकोटाइन बन जाएगा, और 2 डिग्री कार्बोकोटाइन जो है आपका
अल्कोहल जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे दैट इज प्रोपेन टू ऑल, सो आंसर विल बी व्हाट, टू, टू विल बी द मेजर प्रोडक्ट. विच कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद NaHSO3? NaHSO3 जो है मिथाइल कीटोन के साथ रिएक्शन देता है, इनमें से कौन सा मिथाइल कीटोन्स नहीं है, है ना? एल्डिहाइड तो देते ही हैं, एसिटल्डिहाइड ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये नहीं देगा, ठीक है? सो आंसर शुड बी थर्ड वन. नेक्स्ट पढ़ते हैं. विच कंपाउंड रिएक्ट विद PCl5? PCl5 के साथ रिएक्शन जो है आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड करता है, ठीक है, अल्कोहल करता है, एल्डिहाइड कीटोन भी करते हैं, और ये यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी दोनों के साथ, है ना? तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ABCD चारों आएगा. पढ़ते हैं आगे. B2H6 जो है अगर हम देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर जो है ये दोनों ही ग्रुप्स हैं, और इसमें जो है B2H6 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो कि एक लुईस एसिड की तरह भी बिहेव करता है. तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को तो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच है उसको रिड्यूस करेगा, लेकिन एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा. तो हमारे पास जो मौजूदा मॉलिक्यूल है उसमें एस्टर एज इट इज रहेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है आपका रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में. बढ़ते हैं आगे. विच इज लीस्ट बेसिक? हमें पता है कि लीस्ट बेसिक जो ये सारे एनिलीन के डेरिवेटिव्स हैं, और यहाँ पे जो है सबसे डिफिकल्ट प्रोटोनेशन जो होगा वो थर्ड का होगा. ऑर्थो इफेक्ट हम लोग देखते हैं इसको, है ना, या ऑर्थो इफेक्ट या स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, SIP भी बोलते हैं इसको. पढ़ते हैं आगे. केमिकल नेम ऑफ vitamin B6? vitamin B6 इज केमिकल नेम जो है इसका पिरिडॉक्सिन है. तो बढ़ते हैं आगे. ये आपका क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड था और ये भी आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही है, है ना? इसमें जो है विच इज ट्रैंक्यूलाइजर, आइप्रोनाइजाइड, नार्डेल, ये दोनों ही क्या है, ट्रैंक्यूलाइजर है, सिमेटिडीन और रेनेटिडीन, ये दोनों ही आपके एंटा एसिड्स हैं, ठीक है? तो हमारे पास जो आंसर है ए और बी जाना चाहिए. सो आंसर इज ए एंड बी, है ना? बढ़ते हैं आगे. विच इज स्कॉट एंड ब्यूमेन रिएक्शन? तो स्कॉट एंड ब्यूमेन रिएक्शन जो है बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन है, अल्कोहल के साथ बेंजोइल क्लोराइड. इसमें जो है आपके पास ये दिख रहा है थर्ड ऑप्शन में बेंजोइल क्लोराइड, और बेंजोइल क्लोराइड पे हम लोग जो है अल्कोहलिक मॉलिक्यूल की रिएक्शन करा रहे हैं, तो ऑब्वियस है आंसर 3 जाएगा इसका. बढ़ते हैं आगे. फर्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास है इसमें ए जो होगा हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, दैट इज CH3CH2 एंड NH2, और इस पर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्लोरोफॉर्म की जो रिएक्शन होगी CH3CH2 एंड NC, अल्काइल आइसोसाइनाइड. तो हमारे पास जो है आंसर 2 शुड बी द राइट आंसर. बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट, बेंजोइल क्लोराइड सबसे पहले SOCl2 की रिएक्शन जो होगी वो बेंजोइल क्लोराइड बनेगा, और बेंजोइल क्लोराइड पे हम लोगों ने क्या करना है, फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन हो जाएगी बेंजीन के साथ इसकी, और जो बनेगा हमारे पास AlCl3 के साथ वो बनेगा बेंजोफिनोन, और बेंजोफिनोन का जो स्ट्रक्चर है दैट इज PHCOPH, सो दैट इज थर्ड ऑप्शन. बढ़ते हैं आगे. मेजर प्रोडक्ट व्हेन एसीटामाइड रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, एसीटामाइड, एसीटामाइड जो है हमारे पास CH3CONH2, इसकी जब हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं HNO2 के साथ तो N डबल बॉन्ड O और OH, है ना? तो HNO2 की जब रिएक्शन होगी तो यहाँ से वाटर निकलेगा, और वाटर निकलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, CH3C डबल बॉन्ड O N डबल बॉन्ड NOH, और इस पे जो है डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, वाटर निकल जाएगा यहाँ से, है ना? और डाइजोनियम सॉल्ट जो है आपका CH3C डबल बॉन्ड O N2+ रहेगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल एंट्री लेगा और CH3C डबल बॉन्ड O के ऊपर अटैक करेगा, तो फाइनली जो प्रोडक्ट मिलने वाला है हम लोगों को दैट विल बी CH3COOH, CH3COOH. सो आंसर विल बी फर्स्ट.
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाइट्रोबेंजीन के ऊपर पर्टिकुलरली एक रिडक्शन अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट से किए जाते हैं, जिसमें एल्यूमिनियम अमलगम जो है आपका हाइड्रोक्सिल जो है NHOH जो ग्रुप होगा उसको रिड्यूस करता है NO2 को NHOH ग्रुप में, हाइड्रोक्सिल अमाइन जो ग्रुप होगा आपका। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव टेस्ट विद FeCl3? FeCl3 ऑब्वियस है, न्यूट्रल FeCl3 के साथ टेस्ट जो देता है वो फिनोलिक मॉलिक्यूल देता है। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं उनमें पैरासिटामोल जो है फिनोलिक मॉलिक्यूल है जो कि न्यूट्रल FeCl3 के साथ ये टेस्ट दे सकता है। तो यहाँ पे आंसर विल बी व्हाट? पैरासिटामोल। और बाकी जो है हम लोगों के अगर स्ट्रक्चर देखें हम लोग तो इनमें से कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो फिनोलिक रिंग कैरी करता है। पढ़ते हैं आगे, जोन्स रिएजेंट जो है अगर हम लोगों ने क्रोमियम ऑक्साइड H2SO4 के साथ लिया है तो ये एल्डिहाइड में इसका ऑक्सीडेशन होगा CH3 एंड CH2 का होल 4 एंड OH। और अगर हम लोग इसको ऑक्सीडाइज करते हैं जोन्स रिएजेंट के साथ तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी व्हाट? COOH। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज व्हाट? CH3CH2 का होल थ्राइस COH। ठीक है, सो आंसर विल बी 2। 49 मिथाइल अमाइन के साथ जो है ये क्वेश्चन है, मिथाइल अमाइन और उस पर हम लोगों ने HNO2 की रिएक्शन कराई, तो HNO2 जो है डाइजोनियम रिएक्शन बनाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट, और डाइजोनियम सॉल्ट के साथ जो रिएक्शन होती है इसमें हालांकि अल्कोहल बनना चाहिए लेकिन इसका जो मेजर प्रोडक्ट होता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन का दैट इज व्हाट? ईथर। ओके, सो डाइमिथाइल ईथर इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं आगे, सुक्रोज जो है जिस कार्बोहाइड्रेट के अंदर इस तरीके की यूनिट मौजूद होती है ना, जिसमें एक ही कार्बन पे OH, OR, H और R लगा होता है, उन सभी में जो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं वो, और सुक्रोज में अगर हम देखें तो दे आर रिड्यूसिंग शुगर बेसिकली अगर इस तरीके की यूनिट मौजूद है वहाँ पे, तो सुक्रोज में इस तरीके की यूनिट अवेलेबल नहीं है और बाकी लैक्टोज और माल्टोज दोनों में ही ये यूनिट अवेलेबल है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स पे जाएंगे तो डिटेल जो है आप लोग देख सकते हैं NCERT में जो स्ट्रक्चर दे रखे हैं, तो सुक्रोज शुड बी द आंसर नॉन रिड्यूसिंग शुगर का। IUPAC नेम ऑफ कार्बोलाइलिक एसिड है ना, कार्बोलाइलिक एसिड जो है आपका प्रोपेन 1,2,3 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है, 1,2,3 है ना। ओके, तो यहां पे आपका कार्बोलाइलिक एसिड प्रोपेन 1,2,3 है ना। सो है ना, और यहाँ पे हर एक कार्बन पे जो है आपका एक COH ग्रुप मौजूद होता है, तो तब आंसर इज व्हाट? ये कॉमन नेम है आपका कार्बोलाइलिक एसिड। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट आपका, पॉलीमराइजेशन ऑफ ग्लाइकॉल विद डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑब्वियस है, ग्लाइकॉल का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो है कुछ पॉलीमराइजेशन अगर हम करते हैं तो ग्लाइकोल बेसिकली क्या होता है? OH एंड दिस इज व्हाट? OH, इथिलीन ग्लाइकोल या एनी ग्लाइकोल है ना। तो इथिलीन ग्लाइकोल के साथ अगर हम लोग इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पे हमें पता है कि ये डिहाइड्रेशन होगा यहाँ पे, और डिहाइड्रेशन होगा तो ये बेसिकली कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का केस है, दैट इज नॉट द केस ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन, तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे, विद द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन जो होती है हमें पता है कि भाई एनिलिनियम या 1° अमाइन की रिएक्शन होती है जिसपे हम लोगों HNO2 की रिएक्शन कराते हैं। HNO2 बेसिकली NaNO2 प्लस HCl, तो NaNO2 प्लस HCl की रिएक्शन होती है, तो पर्टिकुलरली 1° अमाइन का जो केस है हमारे पास
वन भी है, थर्ड भी है और पैरा टोलुइडीन, और ये सेकंड हमारे पास मौजूद है। तो पैरा टोलुइडीन हम लोग जानते हैं कि पैरा टोलुइडीन जो है आपके पास, ये भी 1 डिग्री अमाइन है, तो ये भी देगा आपका, तो ये भी देगा फोर्थ, फर्स्ट भी देगा, थर्ड भी देगा। सो सेकेंडरी अमाइन जो है आपके पास, सेकेंड शुड बी द राइट आंसर, 53 हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो CH3CN अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, इस पे CH3CN पे अगर हम लोगों ने रिडक्शन कराया, ठीक है, अल्कोहल प्लस सोडियम, तो दैट विल रिड्यूस द कंपाउंड इनटू CH3CH2NH2, यहां से हाइड्रोजन इवॉल्व होगी और आंसर आपका सेकंड आना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ग्लाइसिन एग्जिस्ट एज, ग्लाइसिन जो है pH 4 आपका एक एसिडिक रेंज है, जिसमें अगर हम देखें तो एनिलीनियम आयन जो है आपका और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो POH है, pKa है, दैट इज अराउंड 4 और 5, ठीक है। तो अगर हम लोग इसी की रेंज का pH लेते हैं तो ऑब्वियस है इसका प्रोटोनेशन तो नहीं होने वाला एसिडिक एनवायरमेंट में, लेकिन जो अमाइन ग्रुप है उसका एसिडिक एनवायरनमेंट में जरूर प्रोटोनेशन होगा, और NH3+ जो होता है उसका pKa सर्टेनली 11 होता है, तो इसका प्रोटोनेशन होने के साथ आपका NH3+ बन जाएगा यहाँ पे। तो बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि बेसिक मीडियम अगर होता, ठीक है, या तो ये आपका ज्वेटरायन आता, ये तो हमारे लिए जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे दिख रहा है, ये तो आपका आंसर गलत हुआ है ना, न्यूट्रल रहेगा नहीं, है ना। सो सेकंड शुड बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे। 3, 4, 5 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, इस पर डाइजोटाइजेशन रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, है ना। तो 3, 4, 5 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, 3, 4 एंड 5 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, अगर हम लोगों ने इस पर डाइजोटाइजेशन रिएक्शन कराई तो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा पहले, तो N2+ एंड Cl-, और फिर उसके बाद अगर हम H3PO2 की रिएक्शन करा रहे तो H3PO2+ वाटर, है ना, इससे रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होने के बाद डाइजोनियम सॉल्ट से बेंजीन बनता है, तो हमारे पास ये 3Br ग्रुप रह जाएंगे, दैट इज व्हाट, 1, 2, 3 ट्राइब्रोमो बेंजीन। सो आंसर इज 2। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। ग्लूकोज, आप लोगों को पता है कि ग्लूकोज का जो है ऑक्सीडेशन होता है ब्रोमीन वाटर के साथ, और ये ग्लाइकोनिक एसिड बनाता है, सो ऑब्वियस है एडिपिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सब नॉनसेंस आंसर है ना। सो आंसर इज फर्स्ट। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रिपेयर्ड बाई गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, तो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में जो है हम लोग यहाँ पे गैब्रियल थैलामाइड जो रिएक्शन होती है, थैलामाइड के ऊपर कोई बेस डालते हैं और बेस से जो है हमारे पास N- बनता है, OH-, और यहाँ पे बेंजाइल अमाइन मतलब अगर हम लोग किसी भी RX के ऊपर इसकी रिएक्शन करा दें, डिजायर्ड RX के ऊपर, तो यहाँ पे क्या होगा, लीविंग ग्रुप निकलेगा X-, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और फिर उसके बाद हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। तो रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो पर्टिकुलरली इस रिएक्शन में SN स्टेप है, SN2, है ना, और यहाँ पे एन आर और एक्स निकल जाएगा यहाँ पे X-, फिर उसके बाद जब इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ से टूट जाता है ये ग्रुप, ठीक है ना। तो हमें पता है कि SN2 रिएक्शन से आपका बेंजाइल अमाइन जनरेट किया जा सकता है, मतलब RNH2 बनेगा यहाँ पे, तो RNH2 बेंजाइल अमाइन पॉसिबल है यहाँ पे, है ना। और फिर उसके बाद एनिलीन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एनिलीन के लिए हम लोगों को एल्काइल हैलाइड जो लेना, एराइल हैलाइड जो लेना पड़ेगा, दैट इज क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, तो इस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इतना आसान नहीं होगा। तो इथाइल अमाइन पॉसिबल है, C2H5NH2 पॉसिबल है, बेंजाइल अमाइन पॉसिबल है, जो पॉसिबल नहीं है
वो एनिलीन है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि आंसर फोर शुड बी द, उन्होंने कैन भी पूछा है तो दैट मीन्स फर्स्ट एंड थर्ड, सो आंसर फोर्थ विल बी द राइट आंसर. बढ़ते हैं आगे. व्हाट इज ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें से कौन सा ए आपका ब्लू कलर देगा. तो ये लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन है, हम लोगों को पता है कि भाई ये नाइट्रो ग्रुप है, वन डिग्री, और इसको हम लोग RBW रिएक्शन भी बोलते हैं, है ना, वन डिग्री, टू डिग्री और थ्री डिग्री नाइट्रो ग्रुप देते हैं ये, है ना. तो रेड कलर आता है, देन ब्लू, देन वाइट, है ना. तो RBW टेस्ट नाम से भी जानते हैं इसको. तो पहला आपका रेड देगा, है ना, थ्री डिग्री जो है कलरलेस या वाइट देगा, और जो आपका सेकेंडरी है ये पर्टिकुलरली आपका ब्लू कलर देगा, है ना. तो अगर हम देखते हैं फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे रिएक्शन नहीं दे पाएगा, तो सेकंड जो है आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए, तो 59 का सेकंड आंसर जाएगा. बढ़ते हैं आगे. एंटीपायरेटिक कौन सा नहीं है, एस्पिरिन, पैरासिटामोल, बारबिट्यूरिक एसिड और फेनएसिटिन. तो जो बारबिट्यूरिक एसिड है दैट शुड बी द आंसर यहाँ पे. बारबिट्यूरिक एसिड जो है आपका एंटीसेप्टिक होता है, एंटीपायरेटिक नहीं होता है. बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट, कैटाइनिक डिटर्जेंट दैट इज यूज्ड इन हेयर कंडीशनर, ठीक है ना. तो कैटाइनिक डिटर्जेंट जो है आपका सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड. सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि कैटाइनिक कौन सा है, ठीक है ना. सल्फोनेडाइन एनाइनिक है, सल्फेट एनाइनिक है और लॉरियल सल्फेट भी आपका एनाइनिक है. सो आंसर इज थ्री, क्योंकि अमोनियम ब्रोमाइड कैटाइनिक एक यही पॉसिबल है. तो आंसर हमारा यही जानना चाहिए, थर्ड आंसर शुड बी द राइट आंसर. बढ़ते हैं आगे. बाइथायोनिल, बाइथायोनिल जो हमारे पास है दैट इज एंटीसेप्टिक, ठीक है. तो ए का मैचिंग जो है आपका फोर्थ हुआ, है ना. सोडियम बेंजोएट, ये आपका फूड प्रिजर्वेटिव है. एलिटेम आर्टिफिशियल स्वीटनर है, है ना. और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हमें पता है एंटा एसिड है. तो फर्स्ट ए का जो मैचिंग है वो फोर्थ है. ए का मैचिंग फोर्थ सिर्फ एक ही केस में दिख रहा है, बी का थर्ड आना चाहिए, तो बी का मैचिंग, सो आंसर फोर्थ जाना चाहिए इसका. बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट देखिए, जिलिप्टल, जिलिप्टल जो है हमारे पास जो है ये बेसिकली इथिलीन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड से का कंडेंसेशन पॉलीमर है, जिसको हम लोग एल्काइड रेजिन नाम से भी बुलाते हैं. सो दैट इज व्हाट, टेरिलीन या एल्काइड, जिलिप्टल या एल्काइड रेजिन. नेक्स्ट हमारे पास है ए, ए का हाइड्रोजनेशन करते हैं हम लोग वन डिग्री अमाइन, और बी का हाइड्रोजनेशन करते हैं हम लोग तो हमें टू डिग्री अमाइन मिलता है. देखते हैं हम लोग वन डिग्री अमाइन, ऑब्वियस है यहाँ पे जो हमारे पास ग्रुप हैं या जो ऑप्शंस हैं इसमें, एक में साइनाइड ग्रुप है और एक में आइसोसाइनाइड मौजूद है. तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो होना चाहिए, साइनाइड ग्रुप का जब रिडक्शन कराते हैं हम लोग, हाइड्रोजनेशन कराएंगे, तो आपको वन डिग्री अमाइन मिलेगा. और अगर आइसोसाइनाइड ग्रुप का रिडक्शन कराएंगे तो हमें टू डिग्री अमाइन मिलेगा, ठीक है. तो ए शुड बी व्हाट, साइनाइड, और बी शुड बी व्हाट, आइसोसाइनाइड. तो जरा देखते हैं, ऑप्शन नंबर फोर ही आपका अप्रोप्रिएट ऑप्शन दिख रहा है. तो बढ़ते हैं आगे. हमें दे रखा है कि भाई एक्स जो है, एक्स पे हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस कराया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, और अगर उस पर हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं तो अमाइन बनेगा. दैट मीन्स ऑब्वियस है हमारे पास जो ग्रुप है दैट मस्ट बी व्हाट, RC ट्रिपल बॉन्ड N, है ना. नाइट्राइल, नाइट्राइड तो नहीं होगा, आइसो नाइट्राइल भी नहीं होगा, ऑक्साइम भी नहीं होगा. तो हमारे पास जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर, है ना, क्योंकि इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, और अगर हमने इसका रिडक्शन कराया हाइड्रोजनेशन से तो हमें अमाइन मिलेगा, ठीक है. तो RCH2NH2 मिलेगा और RCOOH मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड. बढ़ते हैं आगे. प्रोटीन विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, हमें पता है प्रोटीन्स
जो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो इनसॉल्युबल प्रोटीन होती हैं दे आर फाइब्रस प्रोटीन, दैट इज फर्स्ट आंसर शुड बी द राइट आंसर. बढ़ते हैं आगे. नंबर ऑफ कायरल सेंटर प्रेजेंट इन ओपन चेन स्ट्रक्चर, तो ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है हम लोगों को पता है कि भाई सी एच टू ओ एच होता है और फिर उसके बाद सी डबल बॉन्ड ओ एच होता है, और यहाँ पे जो तीन स्ट्रक्चर होते हैं ठीक है ना, यहाँ पे तीन कार्बन जो है सी एच ओ एच, सी एच ओ एच और सी एच ओ एच, ये तीनों ही क्या हैं आपके कायरल हैं. तो हमारे पास जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा 1 2 3 4 5 6 है ना, तो इनमें से तीन कायरल सेंटर कैरी होंगे, तो आंसर इज फर्स्ट. बढ़ते हैं आगे. हाउ मेनी नाइट्रो प्रोडक्ट्स विल बी ऑब्टेन व्हेन प्रोपेन इज सब्जेक्टेड टू, नाइट्रो प्रोडक्ट्स विल बी वेपर फेस नाइट्रेशन. वेपर फेस में अगर हम नाइट्रेशन कराएंगे तो हमें पता है कि यहाँ पे कार्बन कार्बन ठीक है रेडिकल रिएक्शन होगी, और इस पे वेपर फेस में मतलब HNO3 फ्यूमिंग ले रहे हैं हम लोग है ना, और वेपर फेस में ये रिएक्शन हो रही है, तो हमें जो मिलेगा कंपाउंड ये रेडिकल सब्सटीट्यूशन के थ्रू रिएक्शन जाएगी. तो रेडिकल सब्सटीट्यूशन में रेडिकल आपका 1 प्रोमो और आपका NO2 भी होगा है ना. नाइट्रो प्रोडक्ट्स जब वेपर फेस में रिएक्शन होगी तो ऑब्वियस बॉन्ड एनर्जी जो है वेपर फेस में जो है बॉन्ड्स टूटेंगे भी, तो प्रोपेन मॉलिक्यूल जो है छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड भी ब्रेक होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे CH3NO2 भी मिल सकता है और हम लोगों को CH3CH2NO2 भी मिलेगा. तो दे विल बी 4 नाइट्रो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन, सो आंसर विल बी व्हाट, थर्ड. बढ़ते हैं आगे. विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव कार्बिलामाइन टेस्ट. कार्बिलामाइन टेस्ट के लिए 1 डिग्री अमाइन जो है ये सारा टेस्ट देते हैं, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास 2 डिग्री अमाइन का दिख रहा है, दैट इज फोर्थ है ना. तो बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट, विद ऑफ फॉलोइंग इज एन एडिशनल पॉलीमर. एडिशनल पॉलीमर ऑब्वियस है, स्टार्च तो नहीं है, कंडेंसेशन पॉलीमर है, नायलॉन 6 टेरिलीन, हम सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि पॉलीदीन इज द एडिशनल पॉलीमर, सो आंसर इज 1 ठीक है. बढ़ते हैं आगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनाल्जेसिक. एनाल्जेसिक अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है पेनिसिलिन और ये सारे ऑप्शंस कंसिडर करते हुए, तो नोवालजिन इज एनाल्जेसिक है ना. बढ़ते हैं आगे. ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और हम लोगों को याद ही रखना होता है इनको. आइडेंटिफाई बी इन द रिएक्शन एसीटामाइड, ठीक है, एसीटामाइड CH3CONH2, इस पे हम लोगों ने P2O5 के साथ इसको हीट कराया. P2O5 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है और CH3C(NN) बनेगा यहाँ पे. फिर इसके बाद जब इसका रिडक्शन कराएंगे तो हमें CH3CH2NH2 मिलेगा, सो आंसर शुड बी 3. बढ़ते हैं आगे है ना. नेक्स्ट, CH3COOH ठीक है, इस पे हम लोगों ने PCl5 कराया, तो CH3COOH पे अगर हम लोग PCl5 की रिएक्शन कराएंगे तो पहले CH3COCl मिलेगा, और CH3COCl मिलने के बाद हमने अमोनिया के साथ उसको ट्रीटमेंट दिया तो हमें एसीटामाइड मिलेगा, और एसीटामाइड मिलेगा तो फिर हम लोग इस पे क्या करा रहे हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करा रहे हैं. तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन जो है आपकी NaO सोडियम हाइपोब्रोमाइड, सोडियम हाइपोब्रोमाइड से हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलने वाला है दैट इज व्हाट, CH3NH2. तो CH3NH2 जो हमारे पास है दैट इज व्हाट, अमाइनो मीथेन, आंसर इज 4. बढ़ते हैं आगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 74 है. अगर हम लोग जानते हों कि एक ही कार्बन पे दो COH ग्रुप अगर लगे होते हैं तो दे आर व्हाट, अनस्टेबल, और अगर इसको हीट कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, वन ऑफ द CO2 विल बी एस्केप्ड, और यहाँ पे CH3CH2COH आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड. अब इस पे हम लोगों ने अमोनिया की रिएक्शन करानी है, तो अमोनिया की जो रिएक्शन है दैट इज व्हाट, CH3CH2CONH2 ठीक है, और ये जो है अमाइड मिलेगा आपका. व्हाट इज ए, तो व्हाट इज ए CH3CH2CONH2, तो आंसर जो है आपका हीट करा रहे हैं हम लोग, तो ऑब्वियस है आंसर. यहाँ पे पहले तो
अमोनियम सॉल्ट बनेगा, फिर उसके बाद जो है उसको जब हीट कराएंगे तो आंसर 3 अमाइड आ जाएगा, है ना, वाटर निकल जाएगा वहां से। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एस्टर ग्रुप मौजूद है यहाँ पे और NaBH4 और यहाँ पे अल्कोहल। तो हमें पता है कि जो एस्टर ग्रुप है उसका रिडक्शन NaBH4 नहीं करता है, अल्कोहल का तो करता ही नहीं है, तो इसमें कोई रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी बेसिकली। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट इज ए, तो ए क्या होना चाहिए भाई, ए आपका एज इट इज रहेगा, दैट इज आंसर नंबर 2 शुड बी द करेक्ट वन। बढ़ते हैं आगे। ओके, CH3COH P2O5 हम लोगों को पता है यहाँ पे कि एसिटिक एसिड से अगर हम लोग P2O5 को हीट कराते हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स वाटर निकालते हुए डाइमराइज हो जाते हैं और एसिटिक एनहाइड्राइड बनाते हैं, सो आंसर शुड बी 3, है ना। बोलते हैं आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड बाय टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्क्रिमिनेट करता है, एल्डिहाइड देते हैं कीटोन नहीं देते हैं, है ना, तो ये आंसर नहीं हो सकता आपका। एसिटल्डिहाइड प्लस फॉर्मिक एसिड ये दोनों ही देते हैं, ठीक है ना, फॉर्मिक एसिड में भी एक एल्डिहाइड हाइड्रोजन मौजूद है यहाँ पे, तो HCOOH, है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि ये वाला जो है एल्डिहाइड हाइड्रोजन है, तो इन दोनों में ही पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा, ये भी पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव देगा, दैट मीन्स इन दोनों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हम लोग टॉलेंस एजेंट से, सो आंसर इज 2, है ना। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है अल्काइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन KMnO4 की रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले जो बनेगा अल्काइल बेंजीन को जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो बेंजोइक एसिड बनता है, और बेंजोइक एसिड फाइनली जो हमें मिलेगा ये ऑप्शन नंबर 3 है हमारे पास, है ना, सो थर्ड आंसर होना चाहिए आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग उड़ा, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस अमोनिया जो है, फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया रेजिन बनता है यूरोट्रोपिन, है ना, C6H6N4, है ना। तो अपन लोगों को पता है कि यहाँ पे जो है यूरोट्रोपिन मिलता है, और यूरोट्रोपिन में जो है आपका स्ट्रक्चर जो होगा कुछ इस तरीके से रहेगा, सभी नाइट्रोजन के बीच में एक CH2 इस तरीके से कनेक्ट होता है। सो अगर हम देखें यहाँ पे तो CH2, 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 है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5 and 6, है ना, तो C6H12N4, है ना, तो इसको जो है यूरोट्रोपिन जो बनेगा, यूरोट्रोपिन जो है यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए जो है मेडिकेटेड रिकमेंडेशन होता है। तो प्रोडक्ट जो है आपका हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन, ये बात सही है, इसको हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन भी बोलते हैं। प्रोडक्ट इज यूज एज अ मेडिसन, ये भी बात सही है। प्रोडक्ट इज पॉली हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, पॉली हेट्रोसाइक्लिक, ये भी बात करेक्ट है। प्रोडक्ट इज RDX, RDX हम लोग यूरोट्रोपिन से के नाइट्रेशन से बना सकते हैं, बट दिस इज नॉट RDX पर्टिकुलरली, सो आंसर इज 4। बढ़ते हैं आगे। फिर से नेक्स्ट जो है आपके पास 1, 2, 3, है ना, और इस पर हम लोगों ने हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करा रखी है, तो ऑब्वियस है हॉफमैन ब्रोमाइड हम लोग जानते हैं, यहाँ पे फर्स्ट शुड बी द आंसर, है ना, अमाइन बनता है अमाइड से। ओके, विच रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ऑब्वियस है कैनिजारो एल्डिहाइड के ऊपर किया जाता है, एल्डिहाइड बनाया नहीं जाता है, एल्डोल भी नहीं होता है इस पर, HBZ रिएक्शन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन, रोजनमुंड से हम लोग एसिड हैलाइड का रिडक्शन करा के जो है एल्डिहाइड बनाते हैं, सो आंसर शुड बी 3। नेक्स्ट, एसिटिक एसिड इज वीक एसिड देन फॉर्मिक एसिड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ COH ग्रुप, दोनों में ही होता है, प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3, सो शुड बी द आंसर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स रेड प्रेसिपिटेट व्हेन हीटेड विद फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन जो है आपका कौन फेलिंग टेस्ट देगा, हमें पता है कि एल्डिहाइड देते हैं लेकिन पर्टिकुलरली बेंजाल्डिहाइड टेस्ट नहीं देता ये, ठीक है, तो गिव्स रेड प्रेसिपिटेट, तो थर्ड जो है आपका ये देगा व्हेन हीटेड विद फेलिंग सॉल्यूशन, है ना, सो आंसर इज 3, कार्बोक्सिलिक एसिड देगा नहीं, है ना, और बेंजाल्डिहाइड भी नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोगों ने
बेंजीन दे रखा है हम लोगों को, और बेंजीन पे हम लोगों ने AlCl3 के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन कराई है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड जो है आपका ये करेगा एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन पे हम लोग क्या करा रहे हैं, आयोडोफॉर्म रिएक्शन करा रहे हैं। तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन हम लोगों को पता है कि यहाँ पे जो है CHI3 हो जाएगा और बाकी का बेंजोएट बनेगा। तो सोडियम बेंजोएट प्लस आयोडोफॉर्म, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट आएगा। सो बेंजोएट आयन इज द आंसर 3, है ना। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। ओके, फर्स्ट जो केस है आपका, ए जो है आपका आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है बेंजोइक एसिड, और फिर उसके बाद टोलुइन के ऊपर हम लोग KMnO4 की रिएक्शन कराते हैं तो बेंजोइक एसिड मिलता है। फिर सोडा लाइम कराएंगे तो सोडा लाइम हमें पता है कि सोडा लाइम के साथ डीकार्बोक्सिलेशन होता है, NaOH प्लस COO के साथ हीट कराते हैं हम लोग उसको, तो हमें जो मिलने वाला प्रोडक्ट है वो है बेंजीन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे 85। देन नेक्स्ट हमें दे रखा है PCC। ओके, PCC की जो रिएक्शन है इसमें पर्टिकुलरली ये जो COOH ग्रुप है इसका ऑक्सीडेशन होगा, और ये सबसे पहले CH3 C डबल बॉन्ड हो CH2 और COOH में जाएगा। जब इसको हीट कराएंगे तो ऑब्वियस है हमें पता है कि बीटा कीटो एसिड का केस हो गया, और बीटा कीटो एसिड को जब हम लोग हीट कराते हैं तो बीटा कीटो एसिड से जो है CO2 इवॉल्व हो जाता है, और यहाँ से अपन लोगों को जो मिलेगा कंपाउंड वो मिलेगा एसीटोन। सो एसीटोन इज द राइट आंसर। सेकेंड, बढ़ते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट केस हमारे पास है CH3COH को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम लोगों ने हीट कराया। तो CH3COH को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हीट कराएंगे तो हमें जो है CH3CO का होल ट्वाइस CA मिलेगा, और जब हम लोग इसको हीट कराते हैं, ठीक है, तो कैल्शियम एसीटेट को जब हीट कराएंगे तो हम लोगों को एसीटोन मिलेगा और कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है यहाँ पे CaCO3। फिर एसीटोन पे हम लोग अगर HCN इन प्रेजेंस ऑफ OH- डालते हैं, है ना, बेसिक कंडीशन में HCN एंड OH-, ठीक है, तो हम लोगों को जो है HCN का एडिशन रिएक्शन शो होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो बनने वाला प्रोडक्ट है दैट इज व्हाट OH-CH3 एंड CN, तो OH-CH3। सो आंसर 4 शुड बी द करेक्ट वन। Which among the following is most acidic? Most acidic, देखो सभी कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखे हैं, और यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप NO2 है, यहाँ पे भी NO2 है, तो इन दोनों में अगर हम देखें तो NO2 ग्रुप ज़्यादा नज़दीक लगा हुआ है COH ग्रुप से, तो माइनस आई इफेक्ट इसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, है ना, और माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड की बढ़ेगी, है ना। तो आंसर आपका अगर हम देखें तो Cl और NO2 में भी अगर हम कंपेयर करेंगे तो थर्ड आंसर ही जाना चाहिए। सो 88 का आंसर 3 होगा, है ना। नेक्स्ट, COH ग्रुप में ऑब्वियस है, सब लोग जानते हैं, ये तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा कार्बन का, 89, है ना, 90। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिड्यूसिंग नेचर? रिड्यूसिंग नेचर मतलब खुद जो है ऑक्सीडाइज हो जाए। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम देखें तो सभी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, और सिर्फ एक फॉर्मिक एसिड ही ऐसा एसिड बन रहा है जो फर्दर ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, और ये जो एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन आ रहा है दैट कैन बी ऑक्सीडाइज इनटू OH COOH। सो हमारे पास जो करेक्ट आंसर जाना चाहिए दैट इज थर्ड वन। बढ़ते हैं आगे। विच रिएक्शन इज कॉल्ड एज सोपोनिफिकेशन रिएक्शन? हमें पता है कि एस्टर के ऊपर जब NaOH की रिएक्शन कराते हैं तो दैट इज व्हाट, सोपोनिफिकेशन रिएक्शन। सो आंसर विल बी फोर्थ वन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। रेट ऑफ एस्टरीफिकेशन ऑफ CH3CH2COH विद ROH इज मैक्सिमम व्हेन ROH इज, ओके, हमें पता है कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एडिशन रिएक्शन होता है ROH, हमें पता है कि यहाँ पे एस्टर बनता है, लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है, अटैक न्यूक्लियोफाइल करता है, तो यहाँ पे जो सबसे बेहतर न्यूक्लियोफाइल होगा स्टेरिक क्राउडिंग को कंसिडर करते हुए 1 डिग्री अल्कोहल होगा, है ना। तो लेसर द क्राउडिंग बेटर विल बी द न्यूक्लियोफिलिसिटी, है ना, तो 1 डिग्री अल्कोहल शुड बी द आंसर, है ना। तो अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट आंसर आपका होना चाहिए। बढ़ते हैं 92। रेट ऑफ एस, ठीक है, 93।
फिनॉल के ऊपर हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म कराया, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH फिनॉल से सेलिसल्डिहाइड बनाएगा, सेलिसल्डिहाइड पे हम लोगों ने KOH की रिएक्शन कराई है। तो अगर हम लोगों ने सेलिसल्डिहाइड पे KOH की रिएक्शन कराई है तो वो कह रहे हैं बी और सी क्या होंगे, ठीक है। अगर फिनॉल के ऊपर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन, सॉरी CHO है ना, इसको करेक्ट करूं, फिनॉल के ऊपर हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म प्लस KOH कराया तो यहां पे आएगा CHO, ये आपका A हो गया। और जब हम लोग इसका ऑक्सीडेशन करा KOH के साथ इसको हीट करा रहे हैं तो ये रिएक्शन जो है आगे केनिजरो के थ्रू प्रोसीड होगी, केनिजरो के थ्रू प्रोसीड होगी, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो OH एक तो ऑक्सीडाइज होगा और एक COH का मॉलिक्यूल जो है रिड्यूस होगा। लेकिन अगर हम देखें तो KOH अगर मीडियम में रहेगा तो ऑब्वियस है यहाँ पे फिनॉलिक OH को भी वो क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन शो करके इस प्रोटॉन को निकाल लेगा O-K+ और O-K+। तो अगर हम देखें तो अप्रोप्रिएट आंसर जो है हमारे पास जो जाएगा वो आंसर आएगा, क्योंकि एल्कोहलिक एल्कोहल के साथ KOH या NaOH रिएक्शन नहीं करेंगे, तो एसिड बेस रिएक्शन फिनॉलिक के साथ हो सकती है या कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हो सकती है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि थर्ड आंसर जो है हमारे पास करेक्ट जाना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 94 CH3CHO, CH3CHO के ऊपर हम लोगों ने ग्रिगनार्ड रिएक्शन कराई है, तो CH3CHO के ऊपर अगर हम लोग ग्रिगनार्ड की रिएक्शन करा रहे हैं CH3-MgBr, तो यहाँ पे क्या होगा, ये अटैक करेगा इस पे और यहाँ पे क्या आएगा CH3COH हाइड्रोलिसिस अगर हम साथ में करा दें तो यहाँ पे A जो बनेगा दैट इज CH3CS3 and OH, है ना। अब इस पे अगर हम लोगों ने KMnO4 की रिएक्शन कराई है तो KMnO4 की जो रिएक्शन होगी इसके साथ दैट विल बी व्हाट, इसका ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन होके जो है एसीटोन बनेगा। सो आंसर शुड बी फर्स्ट वन, है ना, KMnO4 ये सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल से हमें KMnO4 ऑक्सीडाइज करके एसीटोन देगा, सो आंसर विल बी फर्स्ट वन। 94 हो गया, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। ओके, पूछा जा रहा है कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिक्सचर को अगर हम लोग हीट कराते हैं तो कौन सी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो जरा हम देखते हैं CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CA, अगर हम लोग इसको हीट कराते हैं और साथ में हमारे पास HCOO CA, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट हमारे पास पड़ा हुआ है, तो अगर ये अपने ही जैसे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम OCOCH3, तो हमें पता है कि जब कैल्शियम एसीटेट को हीट कराएंगे तो हम लोगों को इन दोनों मॉलिक्यूल से यहाँ पे CaCO3 एंड CaCO3 ये मिलेगा। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो हम लोगों को एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि CH3COCH3 मिले एसीटोन, दूसरा क्या है अगर हम लोगों ने कैल्शियम फॉर्मेट के साथ इसका डिस्टिलेशन कराया, हीट कराया इसको, तो एक पॉसिबिलिटी हमारी बनती है CH3COH की, है ना, और तीसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास जो बनती है वो अगर कैल्शियम फॉर्मेट के साथ ही रिएक्ट कर गया, उसके मॉलिक्यूल्स कॉम्बिनेशन में आ गए तो हमारे पास जो है फॉर्मल्डिहाइड भी मिलेगा, एसिटाल्डिहाइड भी मिलेगा, एसीटोन भी मिलेगा, CaCO3 यहाँ पे निकलेगा। क्या नहीं बन सकता है यहाँ पे, वो है आपके पास C2H5COCH3, सो आंसर शुड बी व्हाट, फोर्थ वन। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट CH3CHO के ऊपर हम लोगों ने KMnO4 की रिएक्शन कराई तो हम लोगों को पहला ऑप्शन मिला CH3COOH, ये हमारे पास A है, इस पे हम लोगों ने SOCl2 कराया, SOCl2 से हम लोगों को CH3C डबल बॉन्ड OCl मिला और फिर उसके बाद हम लोगों ने इस पे ये B बनाया, इस पे अगर हम लोग CH3COONA की रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पे जो मिलने वाला प्रोडक्ट है
वो सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड हो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन हो जाएगा यहाँ पे, तो ओ सी ओ सी एस थ्री बनेगा। तो हमारे पास जो एनहाइड्राइड है वही प्रोडक्ट होना चाहिए इसका, सो आंसर शुड बी टू। बढ़ते हैं आगे, 96, विच इज करेक्ट इन करेक्ट अबाउट एच सी एच ओ। फॉर्मेल्डिहाइड एक गैस होता है, रूम टेम्परेचर पर, बात सही है। इट्स 40% एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज फॉर्मेलिन, ये भी बात सही है। और बायोलॉजिकल स्पेसिमन के स्टोरेज के लिए काम में लाते हैं हम लोग इसको। इट इज़ यूज टू फॉर्म यूरोट्रोपिन, ये बात भी सही है। अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था कि यूरोट्रोपिन जो है आपका फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया के साथ पॉलीमराइज करा के बनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट, फॉर्मेल्डिहाइड जो है आपका गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये बात गलत है। आयोडोफॉर्म टेस्ट आपका मिथाइल कीटोन्स देते हैं, है ना। तो 97 जो है इसका आंसर 4 जाना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल हैं हमारे पास, ऑब्वियस है कैनिजारो रिएक्शन है, और कैनिजारो रिएक्शन में हम लोगों को पता है कि कैनिजारो रिएक्शन में सबसे पहला स्टेप होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्टेप, जिसमें ओ एच माइनस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करता है, है ना। और फिर उसके बाद जो है एच सी ओ माइनस एच, और यहाँ पे ओ एच आएगा, और यहाँ पे जो है ये ओ माइनस जो है जब वापस आता है तो यहाँ से हाइड्राइड का जो निकलना और दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर उसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करना, यही आपका स्लोएस्ट स्टेप होता है। तो हाइड्राइड्स ट्रांसफर जो है जब होता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट विल बी द आरडीएस स्टेप, और यही आपका स्लोएस्ट स्टेप होगा इसमें। ये तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फास्ट स्टेप होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो रीडिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो हाइड्राइड ट्रांसफर स्टेप होता है। सो आंसर इज व्हाट, हाइड्राइड ट्रांसफर। ओके, सेकंड आंसर जाएगा इसका। बढ़ते हैं आगे, फॉर्मिक एसिड प्लस NaOH जो है, आप अगर फॉर्मिक एसिड को NaOH के साथ ट्रीटमेंट देते हो तो HCOONa, हमें पता है ठीक है कि भाई यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगी, सॉल्ट बनेगा, और जब इसको सोडा लाइम के साथ हम लोग हीट कराएंगे तो हमें पता है कि भाई यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ठीक है वो H के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा। यूजुअली होता है ये है कि अगर यहाँ पे सोडा लाइम के साथ हम लोग कार्बोक्सिलेट को हीट कराते हैं, NaOH CO को हीट कराते हैं, तो यहाँ पे Na2CO3 निकलते हुए RH बनता है, एल्केन बनता है ठीक है। लेकिन यहाँ पे R की जगह H है, तो इसलिए यहाँ पे जो इवॉल्व होगा वो हाइड्रोजन इवॉल्व होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम वैल्यू ऑफ PKa। PKa की मिनिमम वैल्यू होने का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ, बट ऑब्वियस हमें दिख रहा है कि सबसे ज्यादा विड्रॉइंग नेचर का जो ग्रुप लगा हुआ है वो NO2 ग्रुप है, सो आंसर शुड बी व्हाट, 2। बढ़ते हैं आगे, ओके, यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है हम लोगों को उसमें ओजोनोलिसिस वो भी रिडक्टिव कराया गया है। तो यहाँ पे पहले तो हम लोग ओजोनोलिसिस कराते हैं, तो ऑब्वियस है एक तो साइक्लोहेक्सेनॉन बनेगा और दूसरा बेंजाल्डिहाइड बनेगा, तो साइक्लोहेक्सेनॉन एंड बेंजाल्डिहाइड हमारे जो दे रखा है ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, सो आंसर शुड बी व्हाट, 3। ए प्लस C2H5OH कॉन्सेंट्रेटेड H2O4 डाला है, इफ द प्रोडक्ट हैज स्वीट स्मेल देन द कंपाउंड ए इज। स्वीट स्मेल जो है एस्टर की होती है, फ्रूटी स्मेल हम लोगों को पता है, और अल्कोहल और कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ही इस तरीके से कॉम्बिनेशन शो कर सकते हैं। मान के चलो यहाँ पे हम लोगों ने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और यहाँ पे C2H5OH, है ना, तो यहाँ पे जो है डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी और फ्रूटी स्मेल जो एस्टर बनेगा उसकी फ्रूटी स्मेल होगी, है ना। तो ए शुड बी वॉट, कार्बोक्सिलिक एसिड, सो आंसर शुड बी 2। बढ़ते हैं आगे, अगर हम देखें यहां पे कि पूछा गया है कि भाई ये जो बेंजीन है इस पे हम लोगों ने कोई A डाला प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और हमें जो पन्ने वाला प्रोडक्ट है वो CHO बन रहा है, तो बट ऑब्वियस आप लोगों ने पढ़ा होगा गैटरमैन रिएक्शन, गैटरमैन कोच रिएक्शन जो है आपकी, इसमें हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl का मिक्सचर लेते हैं और एनहाइड्रस AlCl3 के साथ इसको हीट कराते हैं, तो हम लोगों को बेंजाल्डिहाइड मिलता है। तो ऑब्वियस है अपना जो आंसर होना चाहिए वो कार्बन मोनोऑक्साइड 3rd आंसर होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे,
Which product is not formed by Gabriel thalamide synthesis? Gabriel thalamide synthesis पीछे भी इस तरीके का क्वेश्चन हो चुका है. गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में हम लोग एनिलीन नहीं बना सकते क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस पर नहीं हो पाएगी एराइल बेंजीन के ऊपर. तो आंसर हमारा वन जो नॉट फॉर्म्ड का आंसर जो है फोर्थ ही होगा. तो बढ़ते हैं आगे हम लोग. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन करेंगे हम लोग. ऑब्वियस है कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन CH2OH में होगा और अमाइड ग्रुप का रिडक्शन होता है अमाइन में. तो आंसर जो हमारे पास जाना चाहिए वो सेकंड आंसर जाना चाहिए. बढ़ते हैं आगे. विच कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक? अगेन मोस्ट एसिडिक कंपाउंड जो है आपका जो है NO2 ग्रुप जो है विड्रॉइंग ग्रुप है लेकिन ये पैरा पोजिशन पे है और ये मेटा पोजिशन पे और ये ऑर्थो पोजिशन पे. तो ऑर्थो पोजिशन पे तो एक तो विड्रॉइंग ग्रुप है और साथ में ऑर्थो इफेक्ट भी आएगा. सो आंसर इज फोर्थ. बढ़ते हैं आगे. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर रबर परसेंटेज वल्कनाइजेशन ऑफ रबर हमने सुना है दैट इज 5%. आंसर इज 4. बढ़ते हैं आगे. विच हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट? अगर हम देखें तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो भी होगा इस सी डबल बॉन्डो ग्रुप के अलोंग होगा. तो सी डबल बॉन्डो यहाँ पे भी है. सी डबल बॉन्डो का जो पोलराइजेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा ओ माइनस एंड प्लस. ठीक है. तो अगर हम सेकेंड की बात करें तो सेकेंड में जब पोलराइजेशन करेंगे हम लोग तो ओ माइनस और प्लस अगर हम देखें यहाँ पे तो ये रिंग जो है एरोमेटिक रिंग बन चुकी है. sp2 कार्बन है सारे और 2 पाई इलेक्ट्रॉन है. सो दिस रिंग इज व्हाट पर्टिकुलरली एरोमेटिक रिंग. तो ये पाई बॉन्ड ये परमानेंटली पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो है ना O माइनस. ठीक है. तो डाइपोल मोमेंट ऑब्वियस है इसके अलोंग ही रहेगा. एक परमानेंट पोलरिटी आ जाएगी प्लस और माइनस की जो एरोमेटिसिटी उसको सपोर्ट कर रही है. सो आंसर इज 2. बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट हमारे पास जो है ETNH इस पे हम लोगों ने HNO2 की रिएक्शन कराई है. तो HNO2 की जो रिएक्शन होगी इस पे HO एंड डबल बॉन्ड O और जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो यहां पे जो हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है दैट इज व्हाट N N डबल बॉन्ड O और हमारे पास एक ऑप्शन दिख रहा है ये इस तरीके का फर्स्ट ऑप्शन. बढ़ते हैं आगे. विच कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक? मोस्ट बेसिक किसकी वजह से होगा इन सारे कंपाउंड्स में? नाइट्रोजन इज कैरिंग व्हाट लोन पेयर है ना. अगर हम देखें तो ये जो लोन पेयर है इसकी वजह से बेसिक करेक्टर आ रहा है. तो प्रोटोनेशन सबसे आसानी से जो है एनिलीन जो है और एक नॉर्मल अल्काइल अमाइन जो है उसमें अल्काइल अमाइन इज मोर बेसिक और यहाँ पे तो हम देख सकते हैं कि पीछे sp2 कार्बन है तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी नाइट्रोजन के ऊपर कम होगी. ये नाइट्रोजन जो होगा इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे भी ऑक्सीजन जो है पीछे विड्रॉइंग इफेक्ट शो करेगा. ठीक है. तो अगर हम देखें तो सेकंड शुड बी द राइट आंसर क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होगी और प्रोटोनेशन सबसे फास्ट यहीं पे होगा. बढ़ते हैं आगे. ओके PCl5 की जो रिएक्शन होगी इसमें पूछा जा रहा है कि कितने Cl एटम्स जो है मेजर प्रोडक्ट में बनेंगे. अगर PCl5 को हम लोग मैक्सिमम PCl5 के मोल्स यूज करते हैं तो यहाँ पे जो है यहाँ पे सबसे पहले जो है ये रिंग टूटेगी OH और ये Cl. Cl- अटैक करेगा एपॉक्साइड की रिंग को ओपन करेगा. ये OH फर्दर क्या होगा Cl में कन्वर्ट हो जाएगा. ये वाला जो OH है ये भी Cl में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो है जेमिनल डाइहैलाइड बनेगा Cl और Cl एल्डिहाइड की टोन के साथ है ना. फिर यहाँ पे भी क्या है अगर हम देखें तो यहाँ पे एनहाइड्राइड है तो इस पे सी ओ सी एल आएगा और यहाँ पे भी सी ओ ओ माइनस और यहाँ पे फर्दर यहाँ पे सी एल आएगा. ठीक है. तो हमारे पास जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सी एल ग्रुप कन्वर्ट हो जाएंगे. तो दैट इज व्हाट आंसर इज 3. बढ़ते हैं आगे. लॉन्ड्री सोप कंटेन्स फिलर्स लाइक बोरेक्स सोडियम सिलिकेट. ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है हम लोगों को याद ही रखना होगा. सो आंसर इज व्हाट बोरेक्स होता है उसमें सोडियम सिलिकेट भी होता है दैट इज व्हाट थर्ड आंसर विल बी द राइट आंसर. बढ़ते हैं आगे. विच आर करेक्ट स्टेटमेंट? जनरली सोडियम सोप आर सॉफ्ट टू द स्किन देन पोटेशियम सोप. जनरली पोटेशियम सोप आर सॉफ्ट टू द स्किन देन सोडियम सोप. सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड आर ऑल्सो यूज एज फूड प्रिजर्वेटिव. तो अगर हम देखें तो सोडियम सोप से ज्यादा सॉफ्ट जो है स्किन के लिए
पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं, तो बी और सी जो है आंसर जाना चाहिए, ए स्टेटमेंट तो गलत हुआ, तो आंसर शुड बी थ्री। बढ़ते हैं आगे। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ क्लोरोक्सिलिनॉल, तो क्लोरोक्सिलिनॉल जो है आपका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन अगर हम देखें इसकी, तो क्लोरोक्सिलिनॉल का जो स्ट्रक्चर है वो ये है, और इसमें जो भी अनसेचुरेशन आएगा वो इस रिंग की वजह से आएगा, सो आंसर शुड बी व्हाट, फोर्थ वन, है ना। तो आपका 114 का आंसर फोर्थ आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हाट इज एंटीसेप्टिक। देखो आयोडोफॉर्म भी एंटीसेप्टिक है आपका, है ना, और बाईथायोनेल भी एंटीसेप्टिक है, और फ्यूरासिन भी एंटीसेप्टिक है, तो आपका जो आंसर जो है जाएगा वो ए बी सी। सेल्डेन आपका एंटीसेप्टिक नहीं होता, तो आंसर शुड बी व्हाट, ए बी सी ओनली, है ना। बढ़ते हैं आगे। नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ मेलामाइन, मेलामाइन जो होता है पर्टिकुलरली अगर हम देखें यहाँ पे, तो मेलामाइन जो है ऑल्टरनेटिव नाइट्रोजन को लेते हुए हम लोग एक एरोमेटिक रिंग बनाते हैं, और यहाँ पे जो है पर्टिकुलरली NH2 रहेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मेलामाइन में हमसे कार्बन पूछा गया है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में आपके पास 3 है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में 3 कार्बन है आपके पास। बढ़ते हैं आगे। नाउ 117 जो है आपका, नंबर ऑफ OH ग्रुप इन एक्यूनल, एक्यूनल में अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई भी OH ग्रुप मौजूद नहीं है, ये अमाइड ग्रुप मौजूद है आपका यहाँ पे भी, और यहाँ पे ऑब्वियस है, तो आंसर आपका 0 हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, ओके, CH3 NH C2H5 NH2, तो अगर C2H5 NH2 की बात करते हैं हम लोग, तो ये हमारे पास NH2 है, अगर हम इस पे कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन शो करेंगे तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, है ना, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी तो यहाँ पे आएगा आपका NHC डबल बॉन्ड S और यहाँ पे SH, और फिर जब इसको हम लोग HgCl2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो HgCl2 पर्टिकुलरली HgS निकालेगा यहाँ से, सॉरी H2S निकालेगा और फाइनली HgS बनाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से जो अपन लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S इथाइल आइसोथायोसाइनेट, इथाइल आइसोथायोसाइनेट इज 2, है ना। बढ़ते हैं आगे। विच कंपाउंड गिव्स कार्बिल अमाइन रिएक्शन, कार्बिल अमाइन रिएक्शन हम लोग जानते हैं कि भाई 1 डिग्री अमाइन जो है देता है, और इसमें जो है क्लोरोफॉर्म प्लस KOH होता है, तो अगर हम इन सभी के स्ट्रक्चर्स पे जाएंगे, है ना, तो स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो यहाँ पे NH2 ग्रुप जो है सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है जिसमें, एक ही कंपाउंड है जिसमें ये दिखाई देगा आपका सेरोटोनिन, और तो आपका आंसर जो है 3 जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 120 क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग, ये भी आपका एंटी हिस्टामाइन जो है आपका कौन नहीं है इसमें, तो हमारे पास एंटी हिस्टामाइन जो हम लोगों ने जो याद रखे हैं उसके हिसाब से ल्यूमिनल इज नॉट एंटी हिस्टामाइन। तो इस तरीके से आप लोगों का ये 120 क्वेश्चंस का पेपर डिस्कस हुआ है, और पेपर ऑब्वियस है, आसान था, इस तरीके से पूरे पेपर को हम लोगों ने डिस्कस करा है।